नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं upnewsclick.com। इस समय पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से ग्रस्त है। आए दिन संख्याएं बढ़ रहे हैं। हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ आ गए हैं, लेकिन मरीजों की तादाद जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसी सारे मुद्दों पे गांव में क्या हालात हैं, कितने जो प्रवासी मजदूर थे वो गांव में आए हैं, उनको रोज़गार, सरकारें रोज़ आंकड़ा पेश करती है कि मनरेगा के तहत इतने रोज़गार गांव में उपलब्ध करवाए गए हैं, क्या है हकीकत, यही जानने के लिए हम आए हैं अयोध्या ज़िले के पूरा ब्लॉक के ग्राम सभा गंगोली में। और हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे प्रधान जी से कि क्या है स्थिति, क्या उनको रोज़गार उपलब्ध हो पाए हैं, अगर रोज मनरेगा काम चल रहा है तो वो कितने मजदूर वहाँ जा रहे हैं, क्या सारे जो प्रवासी मजदूर आए हैं वो काम करने के इच्छुक हैं मनरेगा योजना के तहत कि नहीं। तो प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल कि डीएम की तरफ से, जिला अधिकारी की तरफ से आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया था? अधिकारी साहब की तरफ से हम लोग जो निर्देश मिला कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको, तो पहले गाइडलाइन थी कि आप विद्यालय में रोकिए। हम लोग पूरी व्यवस्था के विद्यालय, दो दो विद्यालय कंप्लीट करके रखे कि जो बाहर से आएंगे उनको उसमें रखा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे लॉकडाउन में ये आदेश हुआ कि अब जो प्रवासी आएंगे वो विद्यालय या सरकारी किसी बिल्डिंग में नहीं रखे जाएंगे, उनको आप लोग घर पे ही रखिए, घर पे होम क्वारंटाइन रहें और सारी सुविधा। क्या रीजन था कि यहाँ सरकारी बिल्डिंगों में क्या अव्यवस्था होने के कारण नहीं रख रहे थे? अव्यवस्था तो कोई नहीं थी, सारी व्यवस्था हम लोग पहले से कर रखे। हमने गांव में अधिकतर सुना है कि वहाँ ना बिजली की व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ लाइट है, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, गर्मी अधिक पड़ रही थी, चार पाई तक जो है टेंट हाउस से मंगा के रखे थे। फिर भी या तो जनसंख्या वहाँ जनसंख्या के कारण अधिक हो रही है, जनसंख्या ज्यादा तो हो गई थी इसलिए होम क्वारंटाइन। अभी हमारे ही ग्राम सभा की बात नहीं है, पूरे जिले की बात थी। कुछ समस्या रही होगी या कुछ गाइडलाइन ऊपर से रही होगी कि आप लोग जो है सरकारी बिल्डिंग खाली करवाइए। हाँ, तो बाकी सब लोग होम क्वारंटाइन हैं, जो आए सब ठीक ठाक हैं। और राशन को लेके क्या है कि गांव में कैसे राशन उपलब्ध करा रहे हैं? कोटेदार के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनका तो राशन कार्ड होगा नहीं, तो उनको कैसे? जैसे ज़्यादातर जो प्रवासी मजदूर आए हैं वो पहले से यहाँ राशन कार्ड में हैं। जैसे जो नहीं थे, जिसका परिवार यहाँ नहीं था, उन लोगों को राशन हम लोग दिला रहे हैं। और उसके बाद फार्म भी अप्लाई करवा दिए राशन कार्ड का, उनका कार्ड भी बन जाएगा जल्दी। मनरेगा के तहत सरकार कहती है, जिला प्रशासन की तरफ से रोज आंकड़े जारी होते हैं कि इतने गांव में काम चल रहा है, क्या आप क्या मनरेगा इस समय मौजूदा वक्त में चल रहा है? ये तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समय मनरेगा की, तो कम से कम जितने लोग आए हैं और जो भी इच्छुक है सबको रोजगार दिया जा रहा है, सबको रोजगार दिया। हाँ, रोजगार ऐसे कुछ लोग हैं जो मनरेगा के तहत काम नहीं करना चाहते हैं, फड़ुआ नहीं चलाना चाहते हैं। अरे ऐसे लगभग 20-25% आदमी है जो नरेगा में जाना ही नहीं चाहते। तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई कुछ अलग से? वो लोग व्यवस्था नहीं चाहते, कोई अपने आप कोई आप वो सक्षम है, सक्षम सब एकदम अपने आप को सक्षम समझते हैं। सक्षम है तो उनका जॉब कार्ड वगैरह नहीं बना? नहीं बनवाया नहीं गया है, वो सब इच्छुक नहीं है ना, मतलब काम करने के लिए इच्छुक ना होने की वजह से जॉब कार्ड नहीं बनवाया। कितने जॉब कार्ड ये प्रवासी मजदूर जो आए हैं उनके कितने जॉब कार्ड बने हैं अभी तक? जो प्रवासी केवल मजदूर प्रवासी मजदूर जो आए हैं लगभग 25-30 उस कार्ड बने। इनकी संख्या क्या थी? संख्या भी लगभग वही है, 40-45 के लगभग है। 40-45 के लगभग, तो जिसका यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं था, जिसका लेखा जोखा नहीं। और 20-25 जॉब कार्ड बने हैं और जो बाकी हैं वो सक्षम, अपने आप को सक्षम मानते हैं कि हम सरकार की योजनाएं नहीं लेना चाहते हैं। सही है। बड़े ऑब्जेक्शन होते हैं कि मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है गांव में, जिसके यहाँ कनेक्शन नहीं है, यह है मिट्टी तो आपके यहाँ शिकायत आती है, कैसे निवारण हो जाती है? और अब समस्या यह है कि पहले तो लाइट ठीक ठाक थी, लेकिन इस समय गर्मी अधिक होने के कारण गर्मी बढ़ गई, हर आदमी के पास यूज ज्यादा है, तो उस कटौती ज्यादा होती होगी, कटौती हो रही है, लाइट पूरी नहीं हो रही है।
तो तेल इस बार आया है, मिट्टी का तेल आया, वितरित किया जा रहा है, सब लोग ले रहे हैं। तो राशन कैसे दिया? एक प्रति यूनिट 5 किलो। 5 किलो वही पुराना रेशियो है। पुराना रेशियो जिसके पास कार्ड है उसको भी वही। चने और चीनी वगैरह, ये भी चने भी 1 किलो है, चीनी भी आई है। अच्छा, तो समस्याएं कहाँ आ रही थी? प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा था आप लोगों को? समस्या बहुत ज़्यादा नहीं आई है, हमारे यहाँ पूरा गांव एकदम साफ सुथरा है, कहीं एक भी पेशेंट नहीं। सफाई कर्मी सेंट्राइज वगैरह सब कुछ करवा दिया गया, 2-2 बार करवाया गया है। पहली चीज़ तो हमारे यहाँ गंदगी नहीं है। से करवाया गया है सेंट्राइज हम लोग मशीन से, अपने खुद के हाथ की मशीन से। टैंक नहीं था हमारे, वो नहीं था। कोरोना मरीज आपके यहाँ एक भी नहीं? आपकी ग्राम सभा में एक भी नहीं मिले जब से शुरू अभी तक? हाँ, अभी तक नहीं मिले हैं। प्रवासी तो आए हैं लेकिन हुआ नहीं अभी तक। जो लोग आ भी गए हैं उनका 21 दिन 22 दिन पूरा हो गया है। 21 दिन 22 दिन पूरा हो गया और वो सब स्वस्थ हैं? सब स्वस्थ हैं, कोई मतलब कहीं भी। अच्छा, गाँव में अधिकतर देखा जाता है कि जो लोग आते हैं उनकी शिकायत, मतलब आपसी दुश्मनी भी, रंजिश भी निकालते हैं लोग बहुत ज़्यादा है। जैसे इस समय सब लोग फ्री हैं, झगड़ा वगैरह होता है, लेकिन आपकी सुलह खाली दिमाग है तो शैतान का घर भी कहा जाता है। ग्राम विकास अधिकारी का क्या रोल रहा इस पूरे लॉकडाउन में? अच्छा रोल रहा, सहयोग रहा, प्रशासन से जितनी सुविधाएँ होती तुरंत मुहैया करवाते थे। जो समिति बनाई गई थी उनका काम क्या था? समिति बनाई गई थी कि जो लोग आएंगे बाहर से उनको आप लोग देखिए, जैसे कोई उनकी तबीयत गड़बड़ हो रही है तो तुरंत आप जिला पे सूचना दीजिए, उनको वहाँ से उठा के भिजवाइए। ऐसा हुआ नहीं, समिति हमारी तो अच्छी है। समिति में जो हल्के के सिपाही रखे जाते थे, क्या वो आपसे बराबर संपर्क में थे? बराबर हैं। और जो आंगनबाड़ी की ये जो पूरी समिति हमारी है, सभी लोग थे? हाँ, एक्टिव थे। और जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो और भी एक्टिव थे। सुबह शाम सबकी जो जितने लोग होम क्वारंटाइन थे सबकी देखभाल हो रही थी। वो नहीं जाना है। पूरी ग्राम सभाओं में सिर्फ मनरेगा का ही काम चल रहा है कि कोई और? अभी तक तो केवल मनरेगा ही। कोई निर्माण नाली या नया निर्माण कुछ नहीं चल रहा है? कोई नहीं, सब पे रोक है। रोक लगा के रखी गई है कि अभी करा नहीं रहे हैं? अभी तक तो हम लोग जिला, मतलब ये जो हमारे वीडियो साहब हैं उनके तरफ से था कि अभी कोई काम ना किया जाए, कोई काम केवल मनरेगा के तहत जो भी काम किया जाए इतने लोगों को आप। अच्छा, खड़ंजे की रिपेयरिंग कराना हो तो मनरेगा के तहत अगर वो काम आता है तो कैसे उसकी भी रिपेयरिंग? हाँ, वो हो सकती है, तो उसमें 40 का रेशियो रहता है, उसमें भी हो जाता है। लेकिन अच्छा, हम लोग केवल खुदाई करा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ग्राम सभा गंगोली के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ, तो पूरी गांव की अपनी जानकारी दिए। तो सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ आंकड़ेबाजी कर रही है, गांव तक जो सुविधाएं होती हैं वो सिर्फ कागजों तक ही हो पाती हैं, गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। धन्यवाद।